हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप? तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी जो लाइन है लाइन का हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म। इसके पहले जो लेक्चर हुए थे वहाँ पे हमने लाइन की इक्वेशंस देखे थे, इंटरसेप्ट फॉर्म में देखे थे हमने, उसके बाद में स्लोप फॉर्म में देखे थे, देन अपने पैरामेट्रिक फॉर्म में देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का जो इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर? तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन देखिए, तो यहाँ पे एक्स वाई ये दोनों की डिग्री वन है, ओके? तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ओके, इन एक्स एंड वाई, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये बात आपको समझ में आई? तो अब आपको पता होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके? देन अब जैसे लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में है, अब इसका अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, स्लोप इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो इसका फार्मूला लेते हैं हम लोग माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये है स्लोप का फार्मूला अगर लाइन जनरल फॉर्म में है तब, ओके? तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पुट करेंगे यहाँ पे ये, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई पुट करेंगे बी, ओके? तो यहाँ पे माइनस ए बाई बी, ओके? तो ये हो गया आपका स्लोप, ये स्लोप हो गया। दूसरा मैं ज्यादा करता हूँ लेक्चर। हेलो एवरीबॉडी, तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको इसके लास्ट लेक्चर जो हुए थे वहाँ पे मैंने लाइंस के डिफरेंट फॉर्म्स आपको बताया था, जैसे स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, उसके बाद में आपको नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, देन पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ये सब इक्वेशन हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लाइन का जनरल फॉर्म। तो अब आपको लाइन का जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है ये इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सही है? इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो ऑलवेज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन, बट इसको बोलेंगे हम लोग जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जनरल। तो अब आपको पता होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म्स होता है लाइन का। देन दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लाइन जनरल फॉर्म में है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, ये स्लोप आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस लाइन का स्लोप आपको लिखना है तो ये लिखते माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई,
स्लोप निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यक्स का कोएफिशिएंट पुट करेंगे एज वेल एज वाई का कोएफिशिएंट पुट करेंगे। तो देखिए यक्स का कोएफिशिएंट कितना, ये यहाँ पे लिखा मैंने ये, वाई का कोएफिशिएंट कितना है बी, यहाँ पे लिखा मैंने बी, बराबर। तो ये हो गया लाइन का स्लोप। देन जैसे अगर आपको जैसे लाइन गिवन है जनरल फॉर्म में, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अब आपको पता है उसको जनरल फॉर्म बोलेंगे। लाइन अगर जनरल फॉर्म में गिवन है एंड अगर आपको इस लाइन का यक्स इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, अगर आपको लिखना है यक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए हाउ टू राइट यक्स इंटरसेप्ट एंड हाउ टू राइट वाई इंटरसेप्ट। तो अगर आपको इंटरसेप्ट लिखना है इस लाइन का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो लाइन है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर करना है। क्या करना है आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर करना है। अब लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखे लास्ट लेक्चर में क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म यक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, बराबर, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको यक्स वाई इंटरसेप्ट फाइन करना है तो ये जो जनरल इक्वेशन है इसको आपको लिखना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो पहले सी है, ट्रांसफर दिस सी टू अनदर साइड, इट बिकम्स माइनस सी, बराबर। देन माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो वी गेट हियर माइनस ए एक्स, हियर माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, सही है, इसको मैंने प्लस कर दिया आर एच एस को। देन आपको क्या करना है, ये सी जो है सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो माइनस ए एक्स अपॉन सी, ये देखिए माइनस बी वाई अपॉन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे वन आएगा, बराबर, क्योंकि जो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है वहाँ पे आर एच एस हमेशा वन होना चाहिए, वन लाया वन। देन अब यहाँ पे लिखना है इसको यक्स बाई ए के फॉर्म में, तो ये जो कोएफिशिएंट है माइनस ए बाई सी, इसको हम लोग देखिए डिनोमेटर में ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी बाई ए, ओके, प्लस इसको लिखेंगे माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू वन। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये यक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यक्स इंटरसेप्ट होगा इसका माइनस सी बाई ए, देखिए बराबर, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा माइनस सी बाई बी। तो ऐसे हम लोग लाइन अगर जनरल फॉर्म में है तो हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते यक्स एंड वाई। कैसे फाइंड करेंगे, उस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तब आपको यक्स इंटरसेप्ट मिल सकता है एज वेल एज वाई इंटरसेप्ट मिल सकता है, ओके। देन नेक्स्ट, अब जैसे जनरल फॉर्म में आपको लाइन गिवन है, अब जनरल फॉर्म आपको पता है ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अब उसको अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल जनरल फॉर्म को अगर नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर करना है लाइन के, बराबर, तो वो नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अब आपको पता है जैसे ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो पहले क्या करना है आपको, ये सी को ट्रांसफर करना है दूसरे साइड में, इट बिकम्स माइनस सी, बराबर। देन ये सी को करना है पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए एक्स, यहाँ पे माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, सही है। देन आपको क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो देखो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ओके, प्लस इसको मैंने डिवाइड कर दिया, बराबर, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो मिला इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये पी को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर। तो देखिए ये इक्वेशन इस फॉर्म में कॉस अल्फा यानी ये, ओके, साइन अल्फा की वैल्यू ये, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। देन अब नेक्स्ट देखेंगे
इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, यानी अगर जैसे कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, दो लाइन परपेंडिकुलर है उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, बराबर, या एक लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल है, बराबर, तो पैरेलल कब होती है ये आपको पता होना चाहिए, एक लाइन दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखेंगे, जैसे देखिए, जैसे आपको ये लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इस लाइन को अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो पैरेलल होती है, यानी अगर दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या होगा, स्लोप सेम, यानी अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप सेम है तब वो लाइन पैरेलल होती है। तो अगर इसको कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप भी सेम होना चाहिए, सही बात है, स्लोप, एंड स्लोप का फार्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, स्लोप सेम होना चाहिए, मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको, स्लोप सेम होना चाहिए मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, क्योंकि स्लोप में हम लोग उसी का यूज करते, देन ये जो कांस्टेंट है ये चेंज हो सकता है, बराबर, ये चेंज हो सकता है, सी की जगह जैसे लैम्ब्डा लिया तो इज इक्वल टू जीरो, तो ये लाइन इस लाइन को पैरेलल होगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों के स्लोप सेम है सेम, स्लोप सेम है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। परपेंडिकुलर में क्या होता है, जैसे आपको लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अब इसको कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये देखिए सिंपल, ये सी की जगह के लिखा मैंने, अब यहाँ पे देखिए आपको चेंज क्या दिख रहा है, यहाँ पे चेंज देखिए, जो यक्स का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट है, बराबर, जो वाई का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे यक्स का कोएफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे है, देन यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस, यानी साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट एंड यक्स वाई के कोएफिशिएंट चेंज हो गए, तो दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्या किया मैंने बच्चों, यक्स वाई का कोएफिशिएंट चेंज किया एंड साइन लिया मैंने अपोजिट, ये कांस्टेंट की जगह मैंने दूसरा कांस्टेंट लिया, तो ये लाइन इस लाइन को हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ओके। यहाँ पे लैम्ब्डा के आपको जो दिख रहे पैरामीटर्स, ओके, तो दैट आर कॉल्ड पैरामीटर्स एंड देयर वैल्यूज आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम, यानी अगर आपको वो लैम्ब्डा के की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ये लैम्ब्डा की वैल्यू, जैसे ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जैसे लैम्ब्डा और के फाइंड करते हैं हम लोग, तो ये लैम्ब्डा के फाइंड करना है, तो आपको प्रॉब्लम में जो गिवन इन्फॉर्मेशन होंगी, बाय यूजिंग दैट गिवन इन्फॉर्मेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा एंड के, लैम्ब्डा के की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको रिक्वायर्ड लाइन मिलेंगी बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको कोई भी दो लाइन गिवन है, बराबर, उसके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, बराबर, दीज आर टू लाइन, तो इसके बीच में देखिए आप एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगर हमने इसको थीटा कंसिडर किए, थीटा, तो अगर आपको ये थीटा कंसिडर किए, तो थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है, ये एंगल, तो ये एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये दो लाइंस देखिए, वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, ये फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन देखिए, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, दीज आर टू लाइंस, इसके बीच का एंगल थीटा अगर हम लोग लेते थीटा, वो एंगल आपको फाइंड करना है, तो देखिए फार्मूला, ये टैन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इन ब्रैकेट एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू, बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग एंगल फाइंड कर सकते, पहले टैन थीटा फाइंड करना है आपको, देन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते, टैन इनवर्स होगा इस साइड में एंड इसकी वैल्यू जो भी आएंगी वो,
बराबर। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन का फार्मूला। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो जैसे ये जो एंगल है, देर आर टू एंगल्स फॉर्म, दो एंगल फॉर्म होगी बिकॉज ऑफ प्लस माइनस बिटवीन टू लाइन। बट यूजुअली अब प्लस माइनस, एक प्लस होगा एक माइनस, लेकिन यहाँ पे जो एंगल लेते हम लोग वो यूजुअली हम लोग एक्यूट एंगल लेते बच्चों। कौन सा एक्यूट एंगल? मतलब प्लस साइन, प्लस साइन लेते यहाँ पे, ऑलवेज टेकिंग प्लस साइन। ओके, टैन थीटा की जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा प्लस लेते, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देन चलिए यम वन यम टू यम थ्री, अगर स्लोप है तीन लाइन के, यल वन इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट लाइन, यल टू इज इक्वल टू जीरो सेकंड लाइन, यल थ्री इज इक्वल टू जीरो थर्ड लाइन। तो तीन लाइन के तीन स्लोप है, बट वहाँ पे कंडीशन है यम वन ग्रेटर देन यम टू ग्रेटर देन यम थ्री। ओके, देन इंटेरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब आपको पता है इंटेरियर एंगल किसको बोलते हैं? जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, ये देखिए ट्रायंगल एबीसी, तो ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल। ओके, दिस इज द इंटीरियर एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, दिस इज द इंटीरियर एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, दिस इज द इंटीरियर एंगल बिटवीन दिस टू लाइन। अब आपको अगर ये फाइंड करना है टैन ए टैन बी टैन सी, तो ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका स्लोप यम, ओके ये यम वन, इसका स्लोप लेंगे यम टू, ओके ये यम थ्री, ऐसे कोई स्लोप ले सकते यहाँ पे, स्लोप ले सकते। ओके, तो अगर ये आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइन, तो देखिए ये फार्मूला टैन ए इज इक्वल टू यम वन माइनस यम टू अपॉन वन प्लस यम वन इंटू यम टू, टैन बी इसका फार्मूला यम टू माइनस यम थ्री अपॉन वन प्लस यम टू इंटू यम थ्री, एंड ये टैन सी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल फार्मूले, तो चलिए पटापट आपको इसको लिखना है। ये एक मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे।